वो सब करना चाहता हूँ जो मुझे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज, इस वीडियो में कुछ इस तरह से हम वीडियो को एडिट करेंगे। आपका वीडियो नॉर्मली होगा, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड है एकदम ब्लर हो जाएगा और आपका वीडियो एकदम कूल लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और नीचे में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइप का वीडियो एडिट करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, एक कैपकट, एक वीपीएन। तो कैपकट एप्लीकेशन आप गूगल से या क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हम वीपीएन का यूज करेंगे, क्योंकि वीपीएन अगर यूज करेंगे तो इसका जो इफेक्ट रहेगा वो सब आपको शो करेगा, और बिना वीपीएन का आपको शो नहीं करेगा। तो चलिए हम वीपीएन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं कि मेरा वीपीएन पहले से कनेक्ट है, तो हम चलिए एप्लीकेशन को ऑन करते हैं। तो कैपकट एप्लीकेशन ऑन करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो हमको न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, और आपका गैलरी इस तरह का शो कर देगा, आपका जो जो वीडियो है वो वाला। तो आप जो वाला वीडियो आप बनाना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से हो जाएगा और आपको शो करेगा। तो हम एकदम लास्ट में इसका लोगो है, तो उसको हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, हम एक बार प्ले करके आपको दिखाते हैं कि वीडियो कैसा है, ठीक है? तो चलिए एक बार प्ले करके दिखाते हैं। तो देखिए, एकदम नॉर्मल सा वीडियो है, कुछ इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सा वीडियो है। पीछे का कुछ भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं है। तो इस वीडियो को हम पीछे का बैकग्राउंड बनाएंगे, एकदम बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे, और एकदम अमेजिंग टाइप का, मतलब DSLR टाइप का वीडियो को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको इफेक्ट वाला टूल में जाना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है, उसके बाद बहुत सारा यहाँ पे देखिए बहुत सारे इफेक्ट आपको शो करेगा, ठीक है? तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन ऐसे करके जाएंगे, उसके यहाँ पर बेसिक वाला ऑप्शन है, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ ऐसे करके नीचे की ओर आना है, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ, और यहाँ पे एक ब्लर वाला ऑप्शन आएगा, तो उसको हमको सेलेक्ट करना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे ब्लर वाला ऑप्शन है, तो उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपका वीडियो और आपका फेस सब कुछ ब्लर हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, हमको पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करना है, ठीक है? तो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए आपको सिंपली आपको बैक आना है। जैसे बैक आते हैं, आपको यहाँ पर ओवरले वाला ऑप्शन है, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देते हैं, आपका जो पहले का नॉर्मल वाला वीडियो फिर से आपको रिटर्न ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे ऐड कर लेते हैं, कुछ इस तरह से छोटा हो जाएगा, तो उसको हम बड़ा कर लेते हैं जूम आउट करके, ठीक है? तो जूम आउट करके बड़ा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, दोनों का वीडियो का मतलब दोनों एक साइज में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन नीचे में टूल्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा रिमूव बैकग्राउंड, तो उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, बूम, यहाँ पे झट से आपका पीछे मतलब जो बैकग्राउंड एकदम ब्लर हो जाएगा, और आपका वीडियो एकदम कम्प्लीट बन जाएगा, और आपका वीडियो एकदम कूल अमेजिंग टाइप का DSLR जैसा हो जाएगा। तो इस वीडियो को चलिए एक बार प्ले करके दिखाते हैं कैसे बना मेरा वीडियो। देखिए, यहाँ पे प्ले करके बना चुका हूँ, एक कुछ इस तरह से वीडियो मेरा बन चुका है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और नीचे में कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगे। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में।